बुकलेट्स हैं, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह से एनालाइज किया जाए। सबसे छोटा सिलेबस किसी भी एग्जाम का है वो पीटी का होता है, उसकी बात यहाँ हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ बात कर रहे हैं मेंस की। आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन by analyzing the previous year's question. अब उनका analysis कैसे किया जाए, जो context देखना है analysis करने के दौरान आपको ये देखना है कि question में किन किन papers से मुझे इनको जोड़ना है। Hi, मैं हूँ डॉक्टर खान। जोश की फैमिली ने मुझे अप्रोच किया ये कहते हुए कि उनके परिवार में, उनकी फैमिली में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं जो जोश टॉक को सुनते हैं और वो पढ़ना चाहते हैं। आज मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि ऐसे बच्चों के लिए केएस जी के फैमिली ने जोश के फैमिली के साथ जुड़ करके एक स्कॉलरशिप तैयार किया है जो टैलेंटेड बच्चों को पहुंचाया जाएगा। और इतना ही नहीं, मैं जोश की तरफ से आपको रेगुलरली मिलता रहूंगा और इस एग्ज़ाम की जो भी टिप्स ट्रिक्स और मेरी एक्सपीरियंस है 30 सालों की उसको भी आप तक पहुँचाऊँगा। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए फाइनेंशियल इश्यूज़ कभी भी नहीं आएंगी, ये जोश की माध्यम से मेरा वादा है। और इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जो लोग जो मुझे सुन रहे हैं अभी, अगर वो चाहते हैं कि फुल कोर्स करें केएस जी के साथ, तो नीचे गए दिए गए लिंक पे आप उसको टिक करके और उसको भर करके आप जोश तक पहुँच सकते हैं और आपको पूरे कोर्स को स्कॉलरशिप के साथ जोश के माध्यम से अवेलेबल कराया जाएगा। चलो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। Hi, this is Dr. Khan, and I am meeting you on this platform of Josh Family. यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा जो बताया गया मुझे कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा होता है, जिसके लिए मुझे कुछ बोलना चाहिए, वो मुद्दा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो बुकलेट्स हैं उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह से एनालाइज किया जाए। आई सपोज ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है एंड आप में से कुछ लोग अगर इसको समझते हैं, इसके इम्पॉर्टेंस को, तो मुझे खुशी है कि मैं ऐसे ऑडियंस से बात कर रहा हूँ जो इसके इम्पॉर्टेंस को जानते हैं। आपको ये तो पता ही है कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही इंडिकेटिव है। पीटी तो खैर एक अलग स्ट्रीम पे है, वहाँ पे तो संभवतः सबसे छोटा सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम का है वो पीटी का होता है, उसकी बात यहाँ हम नहीं कर रहे। यहाँ बात कर रहे हैं मेंस की, और मेंस के सिलेबस का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनालिसिस करने के लिए आपको पिछले सालों के क्वेश्चन का बैकड्रॉप लेना होता है, क्योंकि सिलेबस में अगर उन्होंने कुछ कहा है तो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बताता है कि सिलेबस में क्या कहा है। आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन बाय एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब उनका एनालिसिस कैसे किया जाए। अब एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। उनको एनालाइज करने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि कौन से कंटेक्स्ट थे जिसमें ये क्वेश्चन पूछे गए। अब ये कंटेक्स्ट दो जगह पर जाकर मिलेंगे आपको। एक कंटेक्स्ट मिलेगा आपको सिलेबस का, और सिलेबस में भी देखेंगे आप जो कंटेक्स्ट आपको मिला है वो कंटेक्स्ट बेसिकली एक जगह से नहीं मिलता है। एक क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कंटेक्स्ट कई जगहों से मिल रहा है सिलेबस का कंटेक्स्ट। अगर बोलूँ तो अगर एक वुमेन का इशू है तो उसमें क्वेश्चन में कुछ एथिकल डायमेंशन हो सकते हैं पेपर 4 से, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन हो सकते हैं पेपर 2 से, और कुछ सोशल डायमेंशन होते हैं पेपर 1 से। तो आपको जो कंटेक्स्ट देखना है एनालिसिस करने के दौरान, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में किन किन पेपर से मुझे इनको जोड़ना है। और दूसरा कंटेक्स्ट मैं चाहता हूँ जो आप देखें, जो क्वेश्चन का आप एनालिसिस कर रहे हैं मेंस के, तो ये आप देखें कि कौन से बैकड्रॉप थे दुनिया में, हिंदुस्तान में या सोसाइटी में, कौन से मुद्दे चल रहे थे जिनकी वजह से ये क्वेश्चन आए हमारे सामने। एंड बहुत सारे पुराने क्वेश्चंस का शायद आप नहीं कर पाएँ, वहाँ पे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकती है, क्योंकि उनका कैनवास बड़ा होता है, उन्होंने कई सालों से देख रखा है। मैंने लगभग 30 सालों से यही काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। हाँ, लेकिन आपके दिमाग में कम से कम 2-3 साल का स्केल तो होगा ही, तो आप क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को देखें, उससे आपका एनालिसिस होगा। तो कंटेक्स्ट मैं आपको बता रहा था दो जगहों से, कंटेक्स्ट ऑफ द सिलेबस, और सिलेबस में किसी एक सेगमेंट और अलग अलग सेगमेंट से। और दूसरा कंटेक्स्ट देखें आप कि उसका जो टेम्पोरल कंटेक्स्ट था कि कौन सी घटनाएं थी जिसकी वजह से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। आई होप यू आर गेटिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से। एनालिसिस करने के अंदर क्वेश्चन में आप
क्वेश्चन के अंदर आप उसको डिमांड का एक एनालिसिस करें। डिमांड का एनालिसिस कई लेवल पर हो सकता है। आप अपने क्वेश्चन को देख करके सोचें अपने आप से कि इसमें क्या मांगा गया है, और कई बार जो आपके दिमाग में आता है कि मुझे लगता है इस क्वेश्चन में ये मांगा गया है, हो सकता है कि वो मांगा गया हो सकता है कि वो नहीं भी मांगा गया हो। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप किसी फैकल्टी से, किसी टीचर से, या किसी सीनियर से, या अपने दोस्तों से डिस्कस करें कि मुझे लगता है इस क्वेश्चन में ये मांगा गया है। अब मांग के कई आपके डायमेंशन होते हैं एनालिसिस करने के दौरान, मैं आपको बता सकता हूँ। मांग के अंदर आप देखें कि इसमें कई कोर्स हैं, एक कोर है, दो कोर है, तीन कोर है, चार कोर है, पाँच छः कोर के क्वेश्चंस देखे हैं मैंने। कौन से पार्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन से पार्ट पर कम फोकस करना है, आप कहीं सिंगुलर प्लुरल हो सकता है, उसका देखें फ्लो किधर है। अगर क्वेश्चन का फ्लो आप समझ सकते हैं कि हाउ वी कैन अटेंड द ड्रॉप आउट रेट ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन इंडिया फ्रॉम स्कूल सिस्टम, तो यहाँ देखें इसका फ्लो फ्यूचर की तरफ जा रहा है। वाई देर इज ए हाई ड्रॉप आउट रेट ऑफ गर्ल चाइल्ड फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, पास्ट में जा रहा है। वॉट आर द फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर हाई रेट ऑफ ड्रॉप आउट ऑफ गर्ल चाइल्ड फ्रॉम एजुकेशन, आप एनालाइज करके देखें इसका प्रेजेंट का है फ्लो। तो फ्लो का डिस्कस करें, उसके कोर का डिस्कस करें, सिंगुलर प्लुरल का डिस्कस करें, इससे आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन में जो मांग क्या थी उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको मैं चाहूँगा कि जब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के आप मेंस के देख रहे हो, तो आप ये भी कोशिश करो कि ये देखो कि किन सेगमेंट से ज़्यादा यूपीएससी फोकस करती है। और कई सालों के क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो आपको एक पैटर्न उभर कर सामने आता है कि जब वो ये कहते हैं सिलेबस में, तो इनमें लगभग इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि सिलेबस अगर उसके आप आउटलाइन बनाओगे तो बहुत ही अमॉर्फस बनता है, लेकिन अगर आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हो तो वहाँ पर उसके पैटर्न उभरने लगते हैं। बट यकीन मानो ये एक दिन में नहीं होगा, एक बार में नहीं होगा, बार बार करते रहेंगे तो धीरे 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 आप देखेंगे कि उसमें एक पैटर्न दिख रहा है आपको। एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू, अगर आपको कोई एक्सपर्ट आपको हेल्प कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि वो बता देंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इन सेगमेंट से ऐसे क्वेश्चन की तैयारी की जाती है। और डेफिनेटली यू वुड बी इन ए पोजीशन टू नॉट ओनली एक्सपेक्ट ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन, बट ऑल्सो यू वुड बी एबल टू आंसर देम बिकॉज यू वुड हैव प्रिपेयर्ड, बिकॉज यू न्यू थ्रू द एनालिसिस बाई द फॉर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट वर लाइकली टू कम इन दैट एरिया। आई हैव गिवन यू जस्ट सम ब्रीफ इंडिकेटर हियर। मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद आपको कुछ आइडिया देंगे जिसकी वजह से प्रीवियस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे नहीं, एनालाइज करेंगे, और उन एनालिसिस के जरिए आप अपनी तैयारी को एक डिफाइंड फॉर्मेट दे पाएंगे और जो सक्सेस आपका वेट कर रही है वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। हमेशा की तरह हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KSG। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया, और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग या सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एक मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ, और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृतकाल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटिफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में, जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए, वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं, एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।